जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बन चुकी है और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, इसकी पूरी लिस्ट उनके फोटोज के साथ में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि टोटल दोस्तों यहाँ पर 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों हम इस वीडियो में सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नंबर वन है दोस्तों अमित शाह, ठीक है। इनकी उम्र 59 वर्ष है, गुजरात की गांधीनगर सीट से ये जीते हुए हैं और पिछली बार ये भारत के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री रहे थे। इस बार भी इनके लिए गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जो है वो बनाया गया है। बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है लेकिन मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये पूरी डिटेल पढ़नी है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है दोस्तों नंबर टू पे राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह दोस्तों जो है हमारे भारत के रक्षा मंत्री बनाए गए हैं और पिछली बार भी ये रक्षा मंत्री ही थे, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ सीट से चुनाव जीते हैं और इनके बारे में खासियत जो है वो इनकी ये है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण के लिए दोस्तों वित्त मंत्री बनाया गया है और पिछली बार भी ये जो है वो वित्त मंत्री थी। उसके बाद में दोस्तों नंबर चार है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव के लिए दोस्तों रेल सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है, ठीक है। तो रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। आगे चलते हैं दोस्तों राममोहन नायडू। तो राममोहन नायडू दोस्तों जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। यहां पर इनकी दोस्तों पार्टी का साइन कि ये किस पार्टी के नेता हैं और उनकी पार्टी का नाम भी यहां पर दिया गया है। जैसे ये टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है। यहां पर जैसे कमल का फूल है यानी कि भाजपा, बीजेपी से ये संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों जेपी नड्डा। तो इससे पहले जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इस बार दोस्तों इनके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो है वो बनाया गया है, ठीक है। पिछली बार भी कोई भी ये मंत्री नहीं थे और इन्होंने लोकसभा को चुनाव भी नहीं लड़ा है। नेक्स्ट आता है दोस्तों नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी दोस्तों पिछली बार भी सड़क परिवहन मंत्री थे और इस बार भी ये सड़क परिवहन मंत्री हैं, ओके। अभी दोस्तों आती है बारी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, ठीक है। तो केंद्र सरकार में इनकी पहली बार एंट्री हुई है, इससे पहले ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहा करते थे। शिवराज सिंह चौहान के लिए कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल के लिए दोस्तों कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय दिया गया है, यानी कि कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री इनके लिए बनाया गया है। पिछली बार दोस्तों ये कपड़ा मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। नेक्स्ट आता है दोस्तों एच डी कुमार स्वामी, ठीक है। तो भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय इनके लिए दिया गया है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि भारी उद्योग और इस्पात मंत्री इनके लिए बनाया गया है एच डी कुमार स्वामी के लिए। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के बेटे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर। ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस बार इनकी पहली बार शिवराज सिंह चौहान की तरह ही केंद्र सरकार में एंट्री हुई है। तो इनके लिए दोस्तों आवास, शहरी मामले और ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के लिए दोस्तों शिक्षा मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। तो दोस्तों राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के लिए पंचायती राज, फिशरीज और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आता है सर्वानंद सोनोवाल। तो सर्वानंद सोनोवाल के लिए दोस्तों पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय दिया गया, यानी कि पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री इनके लिए बनाया गया है।
आगे चलते हैं दोस्तों, जीतन राम मांझी। तो जीतन राम मांझी के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री बनाया गया है, ठीक है, जिसके लिए दोस्तों हम एमएसएमई भी बोलते हैं, ठीक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। उसके बाद में आता है दोस्तों नंबर बीरेंद्र खटीक की। तो डॉक्टर बीरेंद्र खटीक के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। गिरिराज सिंह। तो दोस्तों गिरिराज सिंह के लिए कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, ये कपड़ा मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद में है दोस्तों नंबर प्रहलाद जोशी का। प्रहलाद जोशी दोस्तों उपभोक्ता मामले, खाद, पीडीएस, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जुएल ओराव। जुएल ओराव के लिए आदिवासी मामलों का जो है वो मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया दोस्तों संचार, पूर्वोत्तर क्षेत्र और विकास मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद में दोस्तों बारी आती है गजेंद्र सिंह शेखावत की। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय इनके लिए दिया गया है। तो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। ये जोधपुर राजस्थान से चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों किरेन रिजिजू। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मंत्री इनके लिए बनाया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश से चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चिराग पासवान। चिराग पासवान के लिए दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी के लिए दोस्तों कोयला और खनन मंत्री बनाया गया है। उसके बाद में नंबर आता है दोस्तों अन्नपूर्णा देवी का। अन्नपूर्णा देवी दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है इनके लिए। उसके बाद में है भूपेंद्र यादव। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जिम्मेदारी इनके लिए दी गई है। उसके बाद में है दोस्तों सी आर पाटिल। तो सी आर पाटिल के लिए दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि हमारा जल शक्ति मंत्रालय, सॉरी जन शक्ति मंत्री कौन है? सी आर पाटिल। उसके बाद में आते हैं मनसुख मांडविया। श्रम, रोजगार और युवा और खेल मामले इनके लिए दिया गया है, ठीक है। तो श्रम, रोजगार, युवा और खेल मामलों के मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। उसके बाद में नंबर आता है दोस्तों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो हरदीप पुरी के लिए दोस्तों पेट्रोलियम मंत्री और प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया गया है। उसके बाद में आते हैं दोस्तों एस जयशंकर प्रसाद। एस जयशंकर प्रसाद के लिए विदेश मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों पांच राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन कौन है? नंबर वन है प्रताप राव यादव, इनके लिए स्वतंत्र प्रभार आयुष। राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बनाया गया है। उसके बाद में है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह के लिए दोस्तों स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। और राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष कर्मचारी और जनशक्ति एंड पेंशन मंत्रालय इनको दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों आते हैं राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह के लिए दोस्तों स्वतंत्र प्रभार योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद में आते हैं दोस्तों जयंत चौधरी। तो जयंत चौधरी के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। उसके बाद में आते हैं दोस्तों हमारे पांचवें राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। पांचवें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की हम बात कर रहे हैं। तो स्वतंत्र प्रभार कानून और न्याय और राज्य मंत्री संसदीय कार्य, ठीक है। अभी चलते हैं दोस्तों हम आगे 36 राज्य मंत्री, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर वन पे आते हैं दोस्तों नित्यानंद राय। तो नित्यानंद राय के लिए दोस्तों राज्य मंत्री गृह मंत्री बनाया गया है, ठीक है, गृह राज्य मंत्री। उसके बाद में आते हैं दोस्तों कीर्तिवर्धन सिंह। तो कीर्तिवर्धन सिंह के लिए पर्यावरण और विदेश मंत्री बनाया गया है। ये सभी जो है वो राज्य मंत्री है। मैं बार बार राज्य मंत्री नहीं बोलूंगा, आप समझ सकते हैं, मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है। पर्यावरण और विदेश राज्य मंत्री कौन है? कीर्तिवर्धन सिंह। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर। ओके, नेक्स्ट है जितिन प्रसाद। वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद।
नेक्स्ट है दोस्तों अनुप्रिया पटेल। तो अनुप्रिया पटेल के लिए दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री बनाया गया है। उसके बाद में आते हैं पी चंद्रशेखर पेम्मासानी। तो पी चंद्रशेखर पेम्मासानी के लिए दोस्तों ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री बनाया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और पंचायती राज्य मंत्री कौन है? प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, ये आगरा उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। उसके बाद में नंबर आता है दोस्तों बीएल शर्मा का। तो बीएल शर्मा उपभोक्ता मामले, खाद एवं सार्वजनिक वितरण के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, इसीलिए ये वीडियो 3 दिन बाद पब्लिश हो रही है, क्योंकि इतनी डिटेल्स को इन स्लाइड्स में फिट करना, ढूंढना बहुत मुश्किल कार्य है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों रामदास अठवाले। तो रामदास अठवाले के लिए दोस्तों सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता का राज्य मंत्री बनाया गया है। उसके बाद में नंबर आता है रामनाथ ठाकुर का। तो कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कौन है? रामनाथ ठाकुर। नेक्स्ट है दोस्तों बी सोमन्ना। बी सोमन्ना के लिए दोस्तों जल शक्ति और रेलवे मंत्री बनाया गया है, रेलवे राज्य मंत्री। उसके बाद में शांतन ठाकुर के लिए पोर्ट्स एंड शिपिंग राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों शोभा करंदलाजे के लिए दोस्तों एमएसएमई, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बनाया गया है। उसके बाद में बारी आती है दोस्तों श्रीपद येसो नाइक की। तो श्रीपद येसो नाइक के लिए ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी राज्य मंत्री बनाया गया है। उसके बाद में है दोस्तों हर्ष मल्होत्रा के लिए दोस्तों कॉरपोरेट अफेयर्स, सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया है। उसके बाद में है सुरेश गोपी के लिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और पर्यटन राज्य मंत्री बनाया गया है। उसके बाद में दोस्तों बारी आती है शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास की। तो सुकांत मजूमदार के लिए दोस्तों शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। उसके बाद में है दोस्तों सतीश चंद्र दुबे के लिए कोयला एवं खनन राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट नंबर आता है दोस्तों सावित्री ठाकुर के लिए महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया है। नवनीत सिंह बिट्टू के लिए खाद्य प्रसंस्करण एवं रेलवे राज्य मंत्री बनाया गया है। उसके बाद में नंबर आता है रक्षा खडसे का। युवा एवं खेल राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री। नेक्स्ट है दोस्तों मुरलीधर मोहोल, सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, भारी उद्योग एवं इस्पात राज्य मंत्री। बंदी संजय कुमार के लिए दोस्तों गृह राज्य मंत्री बनाया गया है और पवित्रा मार्गरीटा के लिए विदेश एवं कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों नीमूबेन बंभानिया के लिए उपभोक्ता मामले, खाद एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बनाया गया है और तोखन साहू के लिए आवास एवं शहरी मामलों का राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों अजय टमटा, सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक एवं फिशरीज, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री बनाया गया है दोस्तों जॉर्ज कुरियन के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कमलेश पासवान। तो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बनाया गया है कमलेश पासवान के लिए और सूचना एवं प्रसारण एवं संसदीय कार्य का राज्य मंत्री बनाया गया है एल मुर्गन के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों डॉक्टर राजभूषण चौधरी। तो डॉक्टर राजभूषण चौधरी के लिए जल शक्ति मंत्री राज्य मंत्री बनाया गया है, जल शक्ति राज्य मंत्री बनाया गया है और रक्षा राज्य मंत्री हैं दोस्तों संजय सेठ। उसके बाद में दोस्तों नंबर आता है जितिन प्रसाद का, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री बनाए गए हैं और दुर्गादास यूके के लिए जनजातीय राज्य मंत्री बनाया गया है। तो दोस्तों ये थे 30 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री की सूची। आप इस वीडियो की फाइल पीडीएफ फाइल के लिए बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत सारे दोस्तों मेहनत की है मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए, रात को 2-2 बजे तक मैंने इस पर काम किया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।